बारिश का फुल मजा लेते हुए भाई। तो गाइस हम लोग पहाड़ी के ऊपर आ चुके और अब और अंदर जा रहे। इधर किसी ने बताया कि इधर एक हाइडन झरना एक और है, तो वहाँ हम लोग नहाने जा रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग ऊपर है, पीछे आप लोग को व्यू तो मैंने दिखा दिया कैसा आ रहा है। और इधर एक रास्ता जहाँ पे अपन लोग जा रहे हैं और आगे अंदर, और इधर एक और झरना बोल रहा छोटा सा, तो देखते कैसा वाला। शायद ये पानी वहीं से आ रहा होगा आई थिंक, तो वहाँ जा रहे हो। इधर सुनसान लग रहा, कोई नहीं है, और हम लोग जंगल के और अंदर जा रहे हैं। बस कोई जंगली जानवर ना मिले, नहीं तो गाइस दिक्कत हो सकती है। बट फिलहाल चलते और देखते हैं कैसा नज़ारा वहाँ का। और शिशुपाल पर्वत भाई मस्त है, बट आपको बस चढ़ाई में प्रॉब्लम होगा, बाकी भाई व्यू देखोगे सारी थकावटें दूर हो जाएगी। बट मज़ा आ रहा बहुत ज़्यादा, और गर्मी बहुत लग रही, बारिश हुआ फिर भी चढ़ाई की वजह से। बट आगे चलते और कहीं झरना देखते कौन सा और है। भाई वो वाला है क्या ऊपर देख रहा है? झरना एक और है उस साइड, एक झरना दिख रहा है हम लोग को बहुत ऊपर से, वो भी गिर रहा है और वो थोड़ा छोटा लग रहा है। बट देखते हैं कैसा वाला झरना। और कैसे दो झरना आप पीछे देख चुके हो, एक और झरना आगे जा रहे हैं। और ये माउंटेन बहुत अच्छा, अगर आपको यहाँ आना है तो भाई कोशिश करना कि कैंपिंग के लिए आओ, क्योंकि आपको एक दिन में ये सर्वाइव करना, एक दिन कम पड़ जाएगा सर्वाइव करने के लिए। यहाँ पे सारे व्यूज़ देखने के लिए एक दिन बहुत कम है, आपको फोटो शूट करना होगा, वीडियो शूट करना होगा, प्लस घूमना भी है, प्लस इन्जॉय करना है, नहाना है, तो सबके लिए एक दिन कम पड़ जाता है। या तो आप सुबह से पहुंच जाते हो तो अच्छा है। हम लोग को पहुंचते पहुंचते यहाँ पे 1 बज गया था नीचे में, और ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत लेट हो गए थे, 2 बज गया था। तो हम लोग को यहाँ पहुँचे अभी 1 घंटा हुआ है नहीं 1.5 घंटा हो गया, 3.5 हो गए, और अपन अभी उस साइड और झरने के लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल लगभग हम लोग पहुँचने वाले, तो आप लोगों को पहुँच के दिखाता हूँ कैसा झरना। और एक और वाटर क्रॉसिंग जैसा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक मंदिर है, उसके बाद आगे झरना होगा। और ये वो पानी है जो झरने में जा रहा है सामने वाले, और यहाँ से एक और वाटर क्रॉसिंग है, उसके बाद गाइस यहाँ पे एक मंदिर आएगा। तो गाइस वाटर क्रॉस कर चुके, और अब आगे जाओगे तो आगे एक मंदिर आएगा, और मंदिर से आगे जाओगे तो उस साइड एक झरना है शायद, या फिर इधर ही कहीं आसपास है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ पे है। हमारे साथ जो आए उनको पता ही कहाँ पे है। और यहाँ पे एक मंदिर है, सदर प्रणाम करते हुए मंदिर पे है, भोलेनाथ जी का एक मंदिर है। और फिर इधर आगे झरना है, तो शायद अपन को इस साइड आगे जाना है। और झरना अभी तक हम लोग को दिखाई नहीं दिया कहाँ पास है, बस अपन अभी वाटर क्रॉसिंग क्रॉस किए, उसके बाद एक मंदिर, और मंदिर के बाद इधर आगे जाना है। तो जैसे ही तो झरना यहाँ से हम लोग को दिखाई दे रहा है, छोटा सा बस आगे में है। और गाइस बहुत मस्त दिख रहा है, यहाँ से छोटा दिख रहा है, बस झरना बहुत बड़ा है। और आगे आप लोग को चल के दिखा तो मैं कैसा आ रहा है भाई, खतरनाक दिख रहा है यहाँ से मेरे को तो, बट कैमरे में नहीं आ पा रहा है। बट गाइस अगर मैं यहाँ से जूम करूँ तो भी नहीं दिखेगा, बट देखता हूँ सामने जाके, मेरे झरना तो दिखाई दे रहा है। गाइस ये चेक करो, सेंटर से थोड़ी सी हल्की हल्की दिखेगी आप लोगों को, तो यहाँ पास है वो झरना, जो कि यहाँ से अभी हाइडन है, बट थोड़ा आगे जाएंगे तो हमको विजिबल हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ से वो विजिबल हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अभी भी नहीं विजिबल हो रहा है, तो जल्दी चलो। और यहाँ से एक और वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करना है, उसके बाद फाइनली वो रहा है झरना जहाँ पे अपन जा रहे हैं, वो एक हाइडन झरना है शिशुपाल पर्वत का, जिधर पे कोई नहीं आया, लिटरली यहाँ पे कोई नहीं आया, सामने बहुत सारे लोग थे बट यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा, सिर्फ हम लोग ही बस पहुँच पाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो गाइस फाइनली अपन लोग पहुँच चुके हैं झरने के पास बहुत करीब, और गाइस झरना बहुत ही मस्त लग रहा है, दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये चेक करो। मैं देखो कितना प्यारा लग रहा है झरना, और इसके नीचे अपन जाएंगे नहाने यहाँ पास, भाई बहुत मजा आने वाला है। और ये है वो हाइडन झरना शिशुपाल पर्वत का, जहाँ पे आप नहाने आ सकते हो, और भाई खतरनाक है। तो गाइस जब आप लोग शिशुपाल पर्वत के ऊपर आओगे तो ये पॉइंट देख लो, तो
ये वो रास्ता है जहाँ से हाइडन झरने के लिए जा सकते हैं। तो ये वो रास्ता है यहाँ से जा सकते हो। ये सीधा जाओगे, आगे एक मंदिर पड़ेगा, वाटर क्रॉसिंग पड़ेंगे दो, उसके बाद आप लोग पहुँच जाओगे। ओह तो यहाँ से आप लोग ऊपर आओगे तो यहाँ से आप लोग जा सकते हो। और ये भाई अपने पूरे ख़त्म कर रहे, अकेले पूरा 2 लीटर पी गए। तो गाइस इतना मेहनत की हम लोग चढ़ाई में उतरने में, तो इसके लिए एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आगे की वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे। बाय बाय।